बिग बॉस बायस है, और ये जो आप सलमान खान को बायस कह देते हो, क्यों बिग बॉस क्यों बायस होगी, सलमान क्यों बायस होगा? तहसीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल. इट्स प्लेजर लाइक वी हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ यू. थैंक यू सो मच. एज यू वर इन बिग बॉस, तो क्या लगता है कि आपके जाने के बाद कितना बदलाव आया है बिग बॉस के घर में? ये बदलाव तो आएगा ही, वो हर दिन बदलाव आएगा, तो बदलाव तो नेचुरल है इस शो के अंदर. और मैं खुश हूँ कि शो इज डूइंग सो वेल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द शो. हुम यू थिंक इज प्लेइंग, लाइक रियलिटी शो है तो रियल में दिख रहे हैं, फेक नहीं बन रहे हैं? मुझे लगता है सिद्धार्थ रियल है, रश्मि रियल है, पारस रियल है. मुझे लगता है ये तीन तो डेफिनेटली रियल है और अच्छा कर रहे हैं. आरती रियल है, ये चार डेफिनेटली. ओके, जहाँ आरती के मतलब हमेशा खिंचाई की जाती है इंडिपेंडेंट वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन क्या कहना चाहेंगे, वो हमेशा हर किसी के लिए स्टैंड लेती हैं, लेकिन तब भी उनको एक इंडिपेंडेंट होने का एक नेगेटिव वे में, लाइक एक टॉन्टिंग वे में उनको एक ये टैग दे दिया गया है. महिलाओं को तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए ना, वाई शुड यू नॉट बी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होना गलत क्यों है? बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी उसके फैंस जैसे यहाँ तक पहुँचाया है ना. बिल्कुल. जो आजकल सिडनास की जोड़ी इतनी अच्छी हो रही है, इतना फेमस हो रही है, इतना प्यार मिल रहा है उनको, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि वो दोनों की जो एक दूसरे के बीच में जो प्यार दिख रहा है वो सही फेक है या रियल में सच में एक दूसरे अभी प्यार करने लग गए? आई जस्ट होप जो भी करे अच्छा करे, एंड दे गो अहेड. जो भी करे वो सच होना चाहिए, नॉट फॉर द कैमरास. ओके, शहनाज का तो कहीं ना कहीं दिखता ही है कि उनका एक प्यार, एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स सिद्धार्थ, बट क्या लगता है सिद्धार्थ भी उतना ही अट्रैक्टेड हैं जितना शहनाज है उनसे? मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ तो आई डोंट नो द केमिस्ट्री, बट मैं नहीं जानता हूँ इस वक्त केमिस्ट्री, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ इस वक्त. ओके, आपके जाने के बाद कई कितने ग्रुप्स टूट चुके हैं, कितने ग्रुप वापस से फॉर्म हो चुके हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? जो ये आसिम और रश्मि की जो ग्रुप है और एक सिद्धार्थ और पारस की जो ग्रुप है, क्या कहना चाहेंगे? कौन से दोनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं और जो जीत सकते हैं? सिद्धार्थ पारस. हाँ, पर रश्मि सही आ जाए, अगर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा. ओके, ये आसिम और रश्मि की दोस्ती अरहान के जाने के बाद काफ़ी अच्छी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, जैसे सब बोलते हैं कि रश्मि हमेशा अपने मतलब जो स्ट्रांग होता है उनके साथ ही रहती हैं वो? शी इज़ अ स्ट्रांग वुमन, बहुत स्ट्रांग है, उसकी उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है. मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है. आई थिंक जिस सिचुएशन बदलती, डायनामिक्स बदलती, तो आप एक दूसरे के साथ दोस्ती होते हैं. मुझे नहीं लगता कि वो शी इज़ गोइंग बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रांग मैन और ही इज़ नॉट अ स्ट्रांग गाय. मुझे नहीं लगता कि रश्मि के लिए ये सच है. तो ये रश्मि का जितना भी मुद्दे उठे थे अभी रिसेंटली, उनके पर्सनल इश्यूज जो इतने उठे थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियलिटी शो में एटलीस्ट ये सब मुद्दे, पर्सनल मुद्दे नहीं उठने चाहिए थे? नहीं उठने चाहिए थे, उठ गए, लेकिन अब उनके व्यक्तिगत, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है और वो वहीं पर उसे हैंडल करे तो अच्छा होगा, बट नहीं उठना चाहिए. ओके, अभी कुछ ही हफ्ते बचे हैं फिनाले के लिए, कितने एक्साइटेड हैं और किन्हें देखते हैं आप टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से? रश्मि, पारस और सिद्धार्थ को मैं देखता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड होपफुली इफ टाइम परमिट्स मैं वहाँ पर रहूँगा भी. जैसे अभी वीकेंड के वार में सलमान भाई ने काफ़ी शहनाज को डांट दी थी, लाइक उनके बिहेवियर की वजह से, उनका गुस्सा और जो उनका पजेसिवनेस है सिद्धार्थ के प्रति, काफ़ी डांट पड़ी थी उनको कि उन्हें खुद को नहीं मानना चाहिए, सिद्धार्थ को नहीं मानना चाहिए, आप उनको अपना खुद का गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए. क्या लगता है कि ये शहनाज का बचपना था या मतलब सिर्फ वो दिखावा के लिए ये चीज़ कर रही थी? देखिए, शहनाज को याद रखना चाहिए कि उसे बहुत सारा जो प्यार मिला है वो शो की वजह से मिला है. लोग उसे पहचान मिली है, उसे लोग पहचानते हैं, शो की वजह से पहचानते हैं, इस मुल्क के लोग उसे पहचानने लगे, जानने लगे. तो वो एक लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए. एंटरटेनमेंट और इरिटेशन के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस अगर नहीं करे शहनाज तो और भी अच्छा करेगी. बिल्कुल, काफ़ी जब सिद्धार्थ आसिम के झगड़े होते थे तो काफ़ी मतलब फैंस ने ये बोल दिया था कि बिग बॉस बायस है, बिग बॉस बायस है, ये सिद्धार्थ का शो है, ये बिग बॉस नहीं है. क्या लगता है कि ये फैंस जो इतना बोल रहे थे, सच में ये बिग बॉस बायस है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बायस नहीं है. मुझे नहीं लगता कि शो बायस है, ना ही बिग बॉस बायस है. और ये जो 2 रुपये के ट्रोल्स है, 2 रुपये लेके ट्वीट करते हैं और ट्रेंडिंग कराते हैं, ये लोगों को जानना चाहिए. आप सलमान खान को बायस कह देते हो, शो को बायस कर देते हो, आपको पहचान शो की वजह से मिली. मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. और ये सारे जो ट्वीट होते हैं 2 रुपये और 2.5 रुपये के बीच में होते हैं एक ट्वीट, सारे ट्रोल्स हैं. आप अकाउंट्स को आप चेक कीजिए, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो, क्या आप हासिल क्या करोगे ऐसा करते?
आप रियल फैन हो भी नहीं, आप एक ट्रोल अकाउंट हो। बिल्कुल ट्रू। वैसे भी ट्रोलर्स तो होते ही हैं हर किसी में नेगेटिव पॉइंट्स उठाने के लिए। और अगर वो रियली कोई फैन है और कुछ बात कहता है और रखता है तो ठीक बात है। ये जो ट्रेंड्स कराए जा रहे हैं ये फेक ट्रेंड्स है, ये गलत ट्रेंड्स है। सलमान खान और सिद्धार्थ के अगेंस्ट फेक ट्रेंड्स है, दिक्कत आते हैं। मैं सोशल मीडिया मुझे समझ में आती है तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? जिस शो की वजह से आपको आइडेंटिटी मिली है आप उस शो का नाम खराब कर रहे हो। क्यों बिग बॉस क्यों बायस हो गए? सलमान क्यों बायस होगा? इतना बड़ा स्टार है, क्या वो आपसे इनसिक्योर है? आप ऊपर आए किसी का हाथ पकड़ते हो और आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे फेक ट्रेंड्स करा रहे हो, गलत है। ट्रू। ओके फिनाले बस बहुत जल्दी आने वाला है, तो क्या आपको हम फिनाले में देखेंगे एज अ परफॉर्मर? और आई डोंट नो, अभी मेरा टाइम इतना, मैं इतना बिजी हूँ मेरे सारे कमिटमेंट्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, बट इन केस तब हम देख लेंगे। ओके आपके बिग बॉस के जाने के बाद किन किन लोगों के साथ आज भी अभी टच में? बिकॉज देवो बाहर गई हैं, लाइक दलजीत बाहर गई हैं, अबू मलिक बाहर गए हैं, किन के साथ अभी भी आप टच में हैं? किसी के साथ नहीं, देवलीना के बाद के साथ थोड़ा बहुत, बट बाकी किसी के साथ नहीं। और कोइना मित्रा में एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, बट नथिंग एल्स, आई एम नॉट रियली इन टच विद कोइना। बिग बॉस के बाद कुछ आपका करियर, लोग बोलते हैं कि करियर एक आगे बढ़ जाता है, करियर में एक उम्मीद आ जाती है, क्या बिग बॉस के बाद आपके भी करियर में कोई उम्मीद आई है? एक्टिंग तो मुझे करनी नहीं है, एंटरटेनमेंट तो मेरा करियर है ही नहीं, मेरा करियर फील्ड कुछ और है, तो बिग बॉस का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्टिंग और एंटरटेनमेंट की फील्ड में मुझे आना नहीं है, तो बट एक रियलिटी शो की बात हो रही है, बहुत आगे तक बात हुई, इनफैक्ट आज भी सुबह उस पर बात हुई। प्रॉब्लम है कि वो डेट्स में कमिट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके तो डेट्स की दिक्कत आ रही है जब उनको शूट करना है, वो एक रियलिटी शो है जो डेट्स वो मुझसे चाहते हैं, तो अगर वो डेट्स हो जाएगी तो आई विल डू दैट शो, बट एट द मोमेंट डेट्स पर दिक्कत आ रही है। ओके बिग बॉस के अलावा 2020 के लिए वो शो, 2020 के लिए। ओके बिग बॉस के अलावा देश में भी काफ़ी आजकल सीए के मुद्दे उठे हुए हैं, जेएनयू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ये सब जो देश में का जो माहौल आजकल थोड़ा डामाडोल हो चुका है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डामाडोल करने वाले जो गवर्नमेंट में वही कर रहे डामाडोल। देखिए सीए को मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूँ, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत है, आपको उसको मानना होगा। इस वक्त इस देश की ज़रूरत है इकॉनमी, हमें इकॉनमी पर फोकस करना चाहिए ना कि इन मुद्दों पर। दूसरी बात, जेएनयू में जो हुआ वो गलत हुआ, आप बच्चों पर छात्रों पर हाथ इस तरह से नहीं उठा सकते, आप वहाँ पर हथियार और तेज़ाब नहीं ले जा सकते, और किसी अगर कोई अभिनेता अगर वहाँ जाता है, अभिनेत्री वहाँ जाती है, तो आप उसको देशद्रोही कह देते हो, कहते हो उसकी फिल्म को बॉयकॉट करो, इस तरह की गुंडागर्दी तो अब नहीं चलेगी। तो ये जो बार बार गुंडागर्दी चलती है, गुंडागर्दी को बंद करना चाहिए। आप गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट का काम करो, आप लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हो, आप छात्रों को आपके समर्थक मारते, देशद्रोही कहते, कब तक ये चलेगा, कब तक लोग सहेंगे? ये बंद होना चाहिए और बिल्कुल बंद होगा। जी बिल्कुल, आप दीपिका पादुकोण की बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल दीपिका की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह के उसमें मूवी के बॉयकॉट के कॉल्स आए, जिस तरह से ये हुआ कि आप फिल्म को बॉयकॉट करो, ये कैसे इस देश में ऐसे नहीं होगा? जब जब आप कोई सवाल आपसे पूछते, आप कहते हो आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी प्रेमी हो, आप बांग्लादेश परस्त हो, ये कब तक चलेगा? देखिए इस देश के संविधान के पहले तीन शब्द क्या है, वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट नहीं, पहले आते हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग सवाल पूछेंगे, हम हर बार पूछेंगे, आपको हर बार जवाब देना होगा, ये हमारा अधिकार है, वो आपका कर्तव्य है। हम जब भी आपसे सवाल पूछे, आप हमें देशद्रोही कहोगे? आपके समर्थक जाकर कॉलेज में बच्चों को मारोगे, यूनिवर्सिटी में बच्चों को मारेंगे? उनके पास तेज़ाब था उस दिन, मैं जेएनयू में था, उनके पास तेज़ाब था, कब तक चलेगा ये? आप तेज़ाब ले जाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर? This is not allowed. It's not acceptable. And even the police corps are not allowed to enter any of the school or college without any taking permission. I guess I've read that. देखिए आपकी पुलिस उस दिन बाहर खड़ी थी, मैं था वहाँ पर जेएनयू पे, वो नारे लगा रहे थे कि लोगों को गोली मारनी है, उनके हाथ में तेजाब था, हथियार था, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया उन गुंडों पर? पुलिस वहाँ बाहर खड़ी थी, उनके सामने मारपीट हो रही थी, ये गलत है। आप उन दंगाइयों को बचा रहे थे क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं
सरकार चाहती है इन दंगइयों को बचाना, ये गलत है, ये नहीं होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुंबई के अंदर भी अब लोग खड़े हो चुके हैं, इतने सॉलिडैरिटी में आए सीए के खिलाफ है। ये कब तक चलेगा? आप कोई भी कानून ले आओ संविधान के खिलाफ हो, ऐसा नहीं होगा। डू यू थिंक सो कि प्रोटेस्टर्स भी कुछ कुछ खरीदे हुए थे जो ये सब दंगे फसाद को और आग में घी डालने का काम कर देते? उस साइड से ज़रूर जो लोग ने जाकर जेएनयू में दंगे किए वे ज़रूर वे मोटिवेटेड लोग थे, बाहर के लोग थे। मैं खुद देखा हूँ, मैं इसका विटनेस हूँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ। वो बाहर से आकर उन्होंने दंगा किया, आप बच्चों को मार रहे क्यों? आप हथियार ले आ रहे, आप तेजाब ले आ रहे हो एक यूनिवर्सिटी के अंदर, इसे कब तक चलेगा? क्यों आप हॉस्टल में लड़कियों को मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों? और उसके बाद दीपिका आती है आप कहते हो उसे फिल्म बॉयकॉट करो। हम कब? और कोई भी आपसे कुछ भी सवाल पूछे आप कहते हो आप देशद्रोही हो, इसे नहीं होगा ना, इसे नहीं चल सकता है और बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट टू स्पीक, बिल्कुल राइट टू स्पीक है, राइट टू प्रोटेस्ट है, और आपको जवाब देना होगा और नहीं देंगे तो आप बाहर जाओगे। तानाशाही नहीं चलेगी और बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके तहसीन, वाओ ये बहुत अच्छा लगा, आपके ये आपके जो थॉट्स है काफ़ी अच्छे लगे हमें सुन के। लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो इतना आपको हमेशा आपके आप जितना भी सोशल मीडिया ट्विटर पे पोस्ट करते काफ़ी आपको लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस सोशल मीडिया पे मेरी जितनी भी फैंस है, इसके अलावा जो बिग बॉस की वजह से मेरे फैंस बने या मेरे फैंस थे, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका आभार मानता हूँ, तहे दिल से उनका आभार मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना, प्यार भेजते रहना, एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।